नमस्कार बच्चों, मैं दिनेश गुप्ता ब्रांच स्कूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम मैथ के क्लास 7 के एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हमने पिछले वीडियो में कर लिए। आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड क्या दिया हुआ है? थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है इन द एडजॉइनिंग फिगर्स, आपके साथ में एक फिगर दी हुई है, पी लाइन पैरेलल है क्या? ओके, फाइंड द अननोन एंगल्स, आपको क्या है इस प्रकार की फिगर दी हुई है। और यहाँ से क्या है ट्रांसवर्सल लाइन आपको दी है, आपको जो पी लाइन एंड क्यू लाइन पैरेलल दी हुई है, तो आप ये जो की होगी सबसे स्टार्टिंग पी लाइन पैरेलल है क्या होती है। नेक्स्ट आप क्या करोगे, इसके एंगल्स आपको क्या फाइंड करना है, ये एंगल की दिया है, ये आपके हैं 125, यहाँ पर एंगल एफ ए बी सी एंड डी, ये आपके एंगल दिए हैं। आपको क्या है फाइंड करना है ई एफ ए बी सी एंड डी, आपको क्या एंगल फाइंड करना है। तो इसके अंदर सबसे पहले आप क्या लिखोगे, गिवन पी लाइन है आपकी पैरेलल लाइन दी हुई है, ये पैरेलल लाइन है यानी ये आप इसमें आप कभी भी आपको क्या है मैच नहीं करती हुई दिखाई देगी, तो क्या होगी पैरेलल लाइन होगी। अब यहाँ पर आपको क्या है लाइन पी है वो क्या स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, जैसे ये दिखाई देगी आपको, तो यहाँ पर क्या है फर्स्ट एंगल ई एंड एंगल 125, आप क्या करोगे ऐड करोगे एंगल 125 प्लस में E is equal to 180 क्यों लिखोगे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो आप क्या लिखोगे लाइन पे, क्या लिखोगे लाइन पे। तो एंगल E आपका क्या आएगा, एंगल E is equal to 180, ये आपका क्या है 125 प्लस का है, नेक्स्ट साइड लेके जाओगे 125 क्या होगा माइनस का, एंगल E आएगा आपका क्या आएगा 10 माइनस 5 7 माइनस 2 5, 1 माइनस 1 0, यानी आपका क्या 55 का एंगल फर्स्ट आपका ई एंगल है, आपका ई एंगल क्या है 55। यहाँ पर देखो ये लाइन पी और ये लाइन आपका क्या है एन, ये आपस में क्या है क्रॉस कर रही है, यानी ट्रांसवर्सल लाइन है पी के, ये क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पर जो एंगल ई इक्वल होगा एफ के, एंगल ई इक्वल है एफ के क्रॉसबॉन्डिंग एंगल, क्या लिखोगे क्रॉसबॉन्डिंग एंगल्स, एंगल ई इक्वल है एंगल एफ के, क्या लिखोगे क्रॉसबॉन्डिंग एंगल्स, क्या लिखोगे क्रॉसबॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट आप क्या है एफ इक्वल रखोगे ए के, एफ इक्वल रखोगे ए के, एफ है वो इक्वल रखोगे ए के, एफ इक्वल होगा क्या होगा एफ एंगल है वो इक्वल होगा किसके ए के, एफ है वो इक्वल होगा एफ एंगल है वो इक्वल होगा ए के, एफ इक्वल होगा ए के, तो क्या लेंगे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये लाइन आपको क्या पैरेलल है, क्या होगी तब आपको क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है दी हुई है, तो यहाँ पर जब इस प्रकार के एंगल बनेंगे तो क्या लिखोगे आप अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, क्या लिखोगे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, एफ इक्वल है ए के, यानी आपकी एफ की वैल्यू कितनी आई आपकी ए के इक्वल है और ई आपका क्या है 55, तो ए एंगल क्या होगा 55, ए एंगल क्या आएगा 55। नेक्स्ट आपको क्या है अगर ए एंगल 55 का है तो सी भी क्या होगा ए इक्वल है सी के, ए इक्वल है सी के, ए इक्वल होगा सी का, तो ई इक्वल था आपके उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या लिखोगे ए इक्वल है सी के, ए इक्वल है सी के, क्या लिखोगे क्रॉसबॉन्डिंग एंगल्स,
क्या लिखोगे क्रॉसकोर्डिंग एंगल्स, यानी आपका जो सी एंगल है वो भी क्या आएगा 55। नेक्स्ट आप फाइंड करोगे यहां पर आपको क्या दिया है ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस डी इज इक्वल टू क्या है 180। ये क्या है लाइन क्रॉस कंप्लीट कर रही है तो आप क्या लिखोगे लाइन पेयर। ए आपको पता है कितना है, ए का एंगल कितना है, सी के इक्वल सी कितना है 55, ए का क्या 55, तो 55 प्लस डी इज इक्वल टू 180, डी इज इक्वल टू 180 माइनस 55, तो डी इज इक्वल टू क्या आएगा 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 5 2, 1 का 1, तो आपका एंगल क्या है 125। डी के इक्वल होगा किसके बी का, डी इक्वल होगा बी के, क्यों होगा क्या है क्रॉसकोर्डिंग एंगल्स, क्रॉसकोर्डिंग एंगल क्या लिखते हैं क्रॉसकोर्डिंग एंगल, तो आपका बी एंगल क्या है 125। इसी प्रकार आपके हैं टोटल एंगल्स क्या होंगे फाइंड होंगे, यहाँ पर आपका क्या है ई एंगल आपसे पूछा गया है तो ई एंगल आपका क्या है 55 का फर्स्ट है। सेकेंड आपसे क्या पूछा गया है एफ, एफ किसके इक्वल होगा ई के, यानी एफ ये आपका क्या आएगा 55 का। नेक्स्ट आपसे ए एंगल पूछा गया है, ए एंगल क्या होगा एफ के इक्वल, तो ए एंगल एफ, एफ कितना है 55 का, तो ए एंगल आपका क्या है 55 का। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है सी एंगल, सी क्या होगा ए के इक्वल सी, क्रॉसकोर्डिंग एंगल सी इज इक्वल टू क्या आएगा 55। नेक्स्ट आपसे पूछा गया डी एंगल, डी एंगल क्या होगा ए प्लस में डी इज इक्वल टू 180, लाइन पे रही है आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड एंगल का सम क्या होगा 180 के इक्वल, जब आपने यह है लाइन पे होगा तो टू सम्स का या पेयर का क्या होगा 180, तब आपके यहाँ डी का क्या आएगा 125। नेक्स्ट आपका डी इक्वल होगा बी के, डी इक्वल होगा बी के क्यों क्रॉसकोर्डिंग एंगल्स, तो बी इज इक्वल टू क्या देगा 25 और डी इज इक्वल टू 25। इस प्रकार आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स गिवन फिगर, आपको क्या क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर इसी के अकॉर्डिंग आपको फिगर दी है, यहाँ पर आप क्या फिगर फर्स्ट लाइन है वो एल है, सेकंड लाइन वो एम है, और इसमें दिए एल लाइन एम क्या है पैरेलल है, और ये आपको टी लाइन दिए वो क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है, और यहाँ पर आपको 110 का एंगल दिया है, और ये एंगल आपसे क्या गया है पूछा गया है, यानी आपको क्या है गिवन में आप क्या लिखोगे एल लाइन पैरेलल है एम के एंड क्या दिया है टी लाइन है वो क्या है ट्रांसवर्सल, क्या लिखे हैं ट्रांसवर्सल लाइन दी है, टी जो दी हुई है वो एल और एम लाइन पैरेलल लाइन दी हुई है, टी क्या है ट्रांसवर्सल लाइन, यानी क्या है एल और एम लाइन क्या है क्रॉस कर रही है, तो वो कहेगी ट्रांसवर्सल लाइन, ये आप क्या है गिवन में लिखोगे। नेक्स्ट आप लिखोगे यहाँ पर आप क्या है इस एंगल को आप पी डिनोट करोगे, तो क्या लिखोगे अगर आप ये पी लिख रहे हो यहाँ पर पी लिखोगे, अब आप लिखोगे एंगल पी प्लस 110 इज इक्वल टू 180, क्यों लिखोगे क्योंकि ये क्या है एक लाइन आपकी स्ट्रेट है, फर्स्ट एंगल एंड सेकंड एंगल का सम क्या होगा 180 के इक्वल, क्या लिखोगे लाइन पेयर, क्या लिखोगे लाइन पेयर, तो आपका एंगल जो पी आएगा वो क्या आएगा 180 प्लस का है 10 110 नेक्स्ट टाइम माइनस का 110, तो एंगल पी इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 180 माइनस 110 इज इक्वल टू क्या है 70 डिग्री का, क्या आएगा एंगल पी क्या आएगा
70 का, क्या आएगा एंगल पी क्या है 70 का। एंगल पी अगर आपको 70 का दिया होगा तब आप क्या लिखोगे, एंगल पी एंड एंगल एक्स इक्वल होंगे, एंगल पी इक्वल है एंगल एक्स। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, क्या लिखो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल है और अल्टरनेटिव एंगल्स है, तो क्योंकि आपको क्या लाइन एल एन एम क्या पैरेलल लाइन दी हुई है और पी क्या ट्रांसवर्सल लाइन है, तो जो एंगल पी होगा वो एंगल एक्स के क्या होगा इक्वल होगा, क्या होगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। तो नेक्स्ट आप क्या डायरेक्टली होगी एंगल एक्स इज इक्वल टू क्या है पी की वैल्यू आपको क्या है 70, तो एक्स की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 70, तो आपका आंसर क्या आएगा एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी तो एक्स की वैल्यू क्या है आपकी 70। नेक्स्ट आप इसी के अकॉर्डिंग बी पार्ट में दिया हुआ है लाइन एल एन एम आपको लाइन दी हुई है तो पी आपको क्या है ट्रांसवर्सल लाइन दी है, यहाँ पर एक्स और ये आपको दिया है 2x, यहाँ पर एक्स और 2x, तब आप क्या लिखोगे क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट में। अब आप यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हो एंगल एक्स एंड 2x इनका जो सम होगा वो क्या होगा 180 के इक्वल, क्योंकि सेम वन साइड से जो टू एंगल्स हैं उनका सम क्या होगा 180। अगर आपकी एल लाइन दी हो एम के पैरेलल, गिवन में क्या लिखोगे एल पैरेलल लाइन है एम के एंड टी एंड टी आर ट्रांसवर्सल लाइन, आपको क्या दिया है ट्रांसवर्सल लाइन, तब आप देखोगे एंगल एक्स प्लस एंगल 2x इज इक्वल टू 180। एक्स एंड 2x क्या होगा 3x इज इक्वल टू क्या होगा 180। x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है मल्टीप्लाई में, नेक्स्ट साइड में क्या होगा डिवाइड में, डिवाइड में आएगा 3, 3 बंद 3, 3 6 का 18 0 की 0, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 16, तो आपको क्या x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x की वैल्यू क्या आएगी 16, क्या आएगी 16। नेक्स्ट आपको क्या है इसी का ही लास्ट पार्ट फोर्थ का थर्ड पार्ट आपको दिया है, फोर्थ का थर्ड पार्ट आपको दिया है इस प्रकार, ये लाइन्स आपको क्या है पैरेलल लाइन दी है और ये भी आपको क्या है टू लाइन्स पैरेलल दी है, ये एल और एम ये ए एन बी, यहाँ पर आपको क्या है 100 डिग्री का एंगल दिया हुआ और यहाँ पर क्या है एक्स के लिए एक्स और ये आपको दिया है 80 का। डायरेक्ट आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे गिवन थर्ड पार्ट आपका फोर्थ का गिवन एल पैरेलल लाइन एम एंड ए लाइन पैरेलल बी, ये भी लाइन आपको क्या है पैरेलल दी हुई है और ये भी लाइन आपको क्या है पैरेलल दी हुई है, जब आपको इस प्रकार अगर पैरेलल लाइन दी हो तब क्या होगा ये जो एंगल है और इसके क्या होगा इक्वल, जैसे आपको बताया था ये टू लाइंस क्या है एम और एम आपको पैरेलल लाइन दी, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या है क्रॉसकॉर्डिंग एंगल्स के अकॉर्डिंग क्या होगा आपका इक्वल होगा, क्या होगा इक्वल होगा।
क्रॉसपोंडिंग एंगल के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा इक्वल होगा, तब आप लिखोगे एंगल एक्स इज इक्वल टू 100। यहाँ पर लिखोगे क्रॉस पॉन्डिंग एंगल्स, डायरेक्ट आप लिखोगे क्रॉस पॉन्डिंग एंगल्स, तो आपका जो आंसर होगा वो एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 100 डिग्री, एंगल आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट।